हाँ नमस्कार दोस्तों आज परिष्कार वर्ड यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बहुत अद्भुत विभूति जो बहुत अनेक अनुभवों के साथ है और वह हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेजर जनरल जी जी द्वेदी साहब आपने जीजी जी द्वेदी साहब को बहुत से टी पर आपने देखा होगा डिस्कशन करते हुए लेकिन आज ये यहाँ पर परिष्कार वर्ल्ड के स्टूडियो में विराजमान है मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं हूँ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए <laughs> साहब बहुत बहुत जीवट वाले एक व्यक्तित्व 38 साल तक भारतीय सेना की सेवा की अड़तीस साल तक और मेजर जनरल के पद पर पहुंचे इन्होंने समय समय पर चार युद्ध इन्होंने युद्धों में भाग लिया भारत की ओर से बांग्लादेश जैसे युद्ध में आपने भाग लिया बहुत से अलग अलग मोर्चों पर यहां पर रहे और सेना का नेतृत्व किया लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात यह है कि इनका जो एकेडमिक व्यक्तित्व तो है बहुत ही इफेक्टिव है बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत क्रिएटिव है और इसकी वजह से सेना के साथ साथ इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां पर प्रोफेसर रहे हैं मैनेजमेंट को ये पढ़ाते रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहां से इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे पीएचडी एच किया है और एक इतना प्यारा एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है कि एक तरफ आर्मी का अड़तीस साल का घनघोर अनुभव दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस पर पीएचडी, और उसके बाद जिस जो गंभीर जो चर्चा बहुत ही शानदार होने जा रही है आप दो साल तक भारतीय सेना की तरफ से चीन में सेवा सेनाएं दे सकें और चीन को समझने की आपने बहुत कोशिश की जिसका जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे और उसके बाद बहुत से सैकड़ों लेक्चर्स दिए हैं मैनेजमेंट पर स्ट्रेटजी जो युद्ध की स्ट्रेटजी उस पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर तो ऐसे बहुत बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व का हम लोग स्वागत करते हैं आ, मैं बहुत बहुत नसीब महसूस करता हूँ <laughs> जनरल द्विवेदी साहब कि आज परिष्कार में इन बच्चों के सामने और यहाँ के जो लोग हैं जानना चाह रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर आ, मेरा जो सबसे पहले जो क्वेरी है हमारे दर्शकों की क्वेरी ये होगी कि भारत की विदेश नीति अब तक एक खास प्रकार के सांचे ढांचे में ढली आ रही थी और आ, हम लोग नॉन अलाइंड थे तब तक लगभग एक ढर्रे की हमारी नीति रही तो बहुत विचित्र स्थिति है एक तरफ हम तीन साल से चीन के साथ आ, सीमा को लेकर के एक एक उलझाव में फंसे हुए हैं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध हो गया और उसमें हम वहां पर में एक की स्थिति को लिए हुए हैं तीसरी तरफ चीन का लगातार हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक खास प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ तो एक इकोनॉमिक ड्राइव चीन का जो है उसको लेकर के हम लोग हम अपनी हैसियत को किस तरह से फिर से देखें विदेश नीति को और इकोनॉमी को कैसे देखें ये सारा मसला है और यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और नाटो की स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने की स्थितियां पैदा हो गई है इन सब के बीच में भारत अब तो किधर रहे क्या करे ये एक बहुत विचित्र स्थिति के बीच में आज हम हैं तो आप किस तरह से देखते हैं अब भारत की इस विदेश नीति को देखिए सबसे पहले जो है हर एक देश की जो नीति होती है वो अपने हितों पर निर्भर होती है yeah. पर वो जो हित होते हैं जो किस प्रकार वैश्विक आकार बनता है yeah. उसके अंदर ही आपको अपनी नीति बनानी पड़ती है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की जरूरत है क्योंकि जो वैश्विक आकार है yeah. वो बदलता रहता है yeah. पर कुछ एक बदला होते हैं जब धमाके होते हैं <laughs> धमाकों से जो है बहुत तेज़ी आती है ऐसे वैश्विक बदलाव, बदलाव में जैसे कि दुनिया का जो पहले विश्व था उसमें वर्सेल ट्रीटी हुई और उस टाइम ये आकार की बातें होने लगी कि देखो हमें इस दे, दुनिया को अगर किसी तरह गवर्न करना है या इसको किसी तरह हमने चलाना है तो हमारे पास कुछ एक मॉडल होना चाहिए yeah. तो वह वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई और फिर दूसरा धमाका हुआ दूसरे विश्व युद्ध में तो जब वो विश्व युद्ध खत्म हुआ जर्मनी हारा तो एक नया धमाका होने के बाद जो अमेरिका है वो एक वर्ल्ड पाप बन के उभर के आया yeah. और दूसरी तरफ था द सोवियत यूनियन yeah. तो यानी कि दुनिया की दूसरी जो लड़ाई के बाद जो हमारा ग्लोब है विश्व है ये दो हिस्सों में बट गया या। एक यूरोपियन नेटो कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज या। यानी कि आइडियोलॉजी के ऊपर बना एक तरफ लोकतंत्र था डेमोक्रेटिक सिस्टम था दूसरी तरफ जो था कम्युनिस्ट सिस्टम था या, या। तो ये दो इन भागों में बट गया अभी आपने भारत की बात की भारत तो ना तो ये यूरोप नेटो के देशों के साथ गया ना ये कम्युनिस्ट देशों के साथ गया तो ये जो तटस्थ बात कर रहे हैं कि हम नॉन द हो गए यानी कि हमने ये कहा कि हम ना तो एक ग्रुप के साथ हैं दूसरे के साथ हैं हम नॉन द हैं है कि हम बीच में रहेंगे पर ये जो मेन जो ग्रुपिंग थी ये दो ग्रुप थे नॉन द की इतना मतलब इनका दम नहीं था क्योंकि आपको पता है कि ताकत जो होती है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है उसी की सुनी जाती है वही डांका बजाता है जो विश्व के या सीन पर। तो ये नॉन द तो थी पर नॉन द में हमारी इतनी कोई पोजीशन नहीं थी कि हम दुनिया के आकार को बदल सकते हम इतना कर सकते थे कि हमने किसी की साइड नहीं ली पर उसमें भी थोड़ी सी अपनी फ्लेक्सीबिलिटी थी कि जब जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा झुक जाते थे जैसे चीन का युद्ध हुआ तो हम अमेरिका से हमने मदद मांगी क्योंकि रशिया ने हमें मदद नहीं दी क्योंकि रशिया और और उस टाइम सोवियत यूनियन और चीन जो थे वो कम्युनिस्ट कंट्री थे तो उधर से मदद नहीं मिली नहीं मिली पर जब कहता का युद्ध आया तो अमेरिका ने हमारी मुखालफत की क्योंकि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के ग्रुप में था yeah. वो मेंबर था सी का सेंटो का मेंबर था तो फिर हमने रशिया सोवियत यूनियन से, से मदद मांगी yeah. और हमने ट्रीटी साइन कर ली ड्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप और, और कतर का युद्ध में लड़ा हूँ और वो युद्ध तकरीबन पंद्रह दिन चला yeah. तो उसमें यूएन एन के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सोवियत यूनियन ने वीटो पा यूज किया हमारे लिए या। तो यानी कि चाहे हम लैंड थे पर जब हमारे देश का हित आता था तो हम बाहर थे पर इसके बाद जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर इकानवे में एक और धमाका हुआ दो धमाका हुआ कि सोवियत यूनियन टूट गया वो रशिया बन गया बर्लिन वॉल टूट गई और अमेरिका जो है एक सिंगल सुपर पावर के तौर पर उभर के आया और चौथा धमाका हुआ 2000 के करीब जब मैं चीन में था मैं तीन साल आऊ चीन और नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची चीन एक उभर के ताकत के तौर पर आया और उससे जो एक संतुलन होता है विश्व में वो संतुलन जब बदलता है तो उसमें काफी उथल पुथल होती है तो अभी चीन जो है ये एक अमेरिका का चैलेंज है रशिया अभी जो है ये कहते हैं कि डिक्लाइनिंग पावर यानी कि इसके पास हथियार तो हैं पर इसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है इसमें कोई ताकत नहीं है तो अभी चीन जो है ये अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और इसी पर ऊपर मैं एक बहुत बड़ी स्टडी कर रहा हूँ हमने चीन पर बहुत आर्टिकल लिखे हैं तो चीन जो है हमारे लिए एक आपत्तिजनक कहते हैं पड़ोसी है, है। द्विवेदी <laughs> साहब यहाँ जो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आप आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि जिन्होंने तीन वर्ष तक चीन में रह करके वहाँ की स्ट्रेटेजिक स्टडी की है हम लोग उनको अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर झुलाते रहे और उसके बाद चीन ने हमको तीन साल से उस सीमा का कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया इसका क्या रहस्य इसका क्या कारण है इसका क्या एक्सप्लेनेशन है ये मैं इसको तीन पहलुओं से दिखाऊंगा पहला पहलू तो जब मैं फौज में था तो मैं चीन बॉर्डर पर कमांड कर चुका हूँ मैं बटालियन कमांडर था चिशुल में चिशूल में और बटालियन कमांड किया फिर डिवीजन कमांड किया है अरुणाचल प्रदेश के जहाँ एल के ऊपर और फिर तीन साल तो आपको पता मैं डिफेंस टैसी रह चुका हूँ और मैंने डबल दो एम फिल किए चाइना के ऊपर और मेरी जो पी थी वो ज्यादा वेस्ट एशिया की इंटरनेशनल रिलेशन पर थी पर मेरी जो दो एम है वो चाइना की चाइना पर बहुत तो अभी बात यह है कि देखो थोड़ी सी यहाँ हिस्ट्री भी देखनी पड़ती क्योंकि जब भी आप बड़े देशों की बात करते हैं तो जिनकी पांच पांच हजार साल हिस्ट्री होती है थोड़ा इतिहास की तरफ जाना पड़ता है देखो तो चीन भी जो है इसकी भी पांच हजार साल करीबन इसकी हिस्ट्री है हमारी भी एक उतनी ही पुरानी सिविलाइजेशन है दोनों जो देशों में जैसे डायनेस्टी जाती थी जाती थी पर चीन में एक बहुत अंतर था उनकी भी डायनेस्टी रही है और अभी भी हम उनको बोलते हैं कम्युनिस्ट डायनेस्टी वहाँ राज कर रही है उन्नीस सौ नाइनटीन से और उनके पहले लीडर मोसितुंग थे जिन्होंने रेवोल्यूशन को का, 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 कामयाब किया उनकी डायनेस्टी में ये जो हमारी है ना कि प्रथा के भाई ब्लड लाइन बोलते हैं यानी कि जो राजा है राजकुमारी आएगा राजकुमार के बाद फिर उनका राजकुमार एक प्रथा चलती है जो वशन जो आप बोलते हैं वंशवाद चलता है चीन में वंशवाद नहीं था नहीं उनमें जो भी राजा था उसका आगे जो था जो भी उसके आगे आता था वो उसका अपना लड़का या अपना खून नहीं था वो सबसे जो काबिल लोग हैं उनको सिलेक्ट करते थे तो अभी अगर नाइनटीन की बात करें या हमारी नाइनटीन की बात करें तो हम उस समय चीन से दो कदम आगे थे पर उन्होंने जो है उनके पांच लीडर आए हैं उन्नीस से लेकर अभी तक पहले मौजूद तुंग थे उन्होंने वो, वो रेवोल्यूशन लाए और कम्युनिस्ट कंट्री बनाया उन्होंने उसके बाद तंग शॉपिंग आए तंग शॉपिंग उन्नीस में आए तो उन्होंने देखा की यार ये कम्युनिज्म है ये तो एक गरीबी की निशानी है या। वो कहते हैं कम्युनिज्म का मतलब नहीं कि आपने गरीब देश बनना तो उन्होंने एक बिल्कुल ढांचा बदल दिया वो रिफॉर्म लेके आए रिफॉर्म ओपनिंग आप तो उसमें क्या हुआ चीन और भारत उन्नीस में भी करीब बराबर बराबर थे हमारी जो जीडीपी थी वो 380 बिलियन डॉलर के करीब थी उस टाइम चीन की जो रिफॉर्म्स हैं वो 1980 में शुरू हुई जी yeah. और हमारी रिफॉर्म है उन्नीस सौ इकानवे में शुरू हुई उनकी रिफॉर्म एक प्लान के तौर पर थी हमारी प्लान थी एक संकट के तौर पर जब हमारा सोना बिक्री हुआ और लीज इंग्लैंड की बैंक में रखा गया गिरवी रखा गया तो तब हमने ओपनिंग अप क्राइसिस में लिया पर उनकी या। प्लान मुताबिक उन्होंने चार मॉडर्नाइजेशन की कि सबसे पहले एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करेंगे इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी और आर्म फोर्सेस इस तरह वो चले तो जब मैं 2000 हजार में था तो सबको ये एहसास हो गया था कि चीन जो है ये एकदम बहुत बड़ी छलांग लगाएगा हाँ। जब मौजूदों के टाइम में तो छलांग लगाई पीछे की तरफ लगाई जो ग्रेटली फॉरवर्ड उन्नीस सौ अठावन से उन्नीस सौ इकसठ तक वो ऐसी उथल पुथल हुई चीन के अंदर या। और दूसरी उथल पुथल हुई कल्चरल रेवोल्यूशन उन्नीस सौ चौसठ से लेकर उन्नीस सौ छिहत्तर तक जब तक मौजिदों साहब का इंतकाल नहीं हुआ तो वो पीछे की तरफ ही गए पर जब ये आ, ये उन्नीस सौ अस्सी में उन्होंने शुरू की आगे की और 2000 के करीब जब पहुंचे तो एक विश्व में एक पता लग गया कि जो नेपोलियन ने बोला था कि वेन चाइना वेक वेक अप होल वर्ल्ड या। तो यानी कि जो टाइगर था ड्रैगन था उसने अपने जो पंजे दिखाने शुरू कर दिए तो जब दो सौ उन्नीस नब, सौ नब्बे में भी भारत की और चीन की जो जी डी बराबर थी yeah. आज अभी देखें yeah. चीन की जीडीपी 15.8 ट्रिलियन डॉलर है yeah. ट्रिलियन डॉलर yeah. हम तीन ट्रिलियन डॉलर पर नहीं पहुंच पाए yeah. हमारे लीडर्स बोल रहे कि हम पांच ट्रिलियन बन जाएंगे बीस सौ पच्चीस तक तो यानी कि ये जो बदलाव आया है yeah. ये बदलाव यही नहीं की वो कम्युनिस्ट कंट्री है उनकी लीडरशिप में दूरदर्शिता है मोजितुंग तंग शो पिंग बात तो उनका कोई लेन कोई रिश्ता नहीं था yeah. तंगश्यो के पिंग बाद चांग जमीन आए हैं hmm. कोई उनका रिश्ता वादा नहीं था hmm. कोई वंशवाद नहीं था hmm. उसके बाद हुआ आए हैं और अभी शी चिंग पिंग है yeah. इन पांचों के बीच में कोई अपना वंश का रिश्ता नहीं है yeah. वो प्योरली अपनी मेरिट के हिसाब से चुनते yeah. तो ये है कि अभी अगर हम बोले कि चीन आगे हाँ ठीक है उनका सिस्टम कम्युनिस्ट सिस्टम है जैसे भी सिस्टम है वो सिस्टम डिलीवर कर रहा है तो इस समय वो अमेरिका को पूरी टक्कर दे रहे हैं और जो मैं स्टडी अभी चाइना पर ही कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्टडी है मैं उसका एक काफी आगे निकल जाएगा या, या, उनकी इकोनॉमी या, आगे निकल जाएगी लेकिन उन... मैं जो मुद्दा हमारा ये है कि हम हमारे साथ उसका जो कन्फ्लिक्ट उसका उसका कारण क्या है देखो जी ये उसी पर आ रहा है देखो जो जब भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यानी कि आपके कुछ डिफरेंसेस हैं हाँ। बासठ में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो मैंने बताया कि उस पर मैंने किताब लिखी है 62 वॉर पर yeah. और काफी रिसर्च किया हमने तीन लोगों ने उसको को ऑथर किया है yeah. जब चीन बना तो हमारी भारत की पॉलिसी और चीन की पॉलिसी में बहुत अंतर था जी yeah. मौजी तुमने ने सबसे पहले जितना भी उनके बॉर्डर एरिया थे वहां पर झंडा लगाया अपना पहले पहले उन पूरे बॉर्डर मार्क किए तो उनकी तीन स्टेट है जो बॉर्डर स्टेट है शिन्चांग जो पहले बोलते थे ईस्ट तर्किस्तान वहां उन्होंने कब्जा किया फिर म, इंदर मंगोलिया देखो दीवार जो है देखो इंद, इंदर मंगोलिया जो है वो पहले मंगोलिया का हिस्सा था फिर चाइना ने पकड़ लिया और फिर तिब्बत पर तीन जो उनकी बॉर्डर स्टेट्स हैं उन्होंने पहले उस पर कब्जा किया 1950 वो में वो तिब्बत में घुसे तिब्बत पर कब्जा किया अभी तिब्बत का ये था कि हमारी एक संधि है तिब्बत के साथ 1914 में वो शिमला में हुई थी या। तो तिब्बत जो था एक बफर जोन था यानी कि तिब्बत इंडिपेंडेंट रहा है उन्नीस से लेके उन्नीस तक तो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर नहीं था नहीं। जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया हमारा बॉर्डर लग गया yeah. अभी चाइना को इसके ऊपर कब्जा करने का जब हम बॉर्डर लग गया तो चाइना ने जो मैकमोहन लाइन है उसको स्वीकार नहीं किया था इन्होंने डिसेंट किया था कि हम इसको बॉर्डर को स्वीकार नहीं करते दूसरा शिंच्यांग से लेके तिब्बत तक उनको मिलाना था उनको सड़क बनानी थी वो काशगढ़ से लेके लासा तक सड़क बनी थी वो सड़क जो भारत की जो अक्षय चीन के थ्रू जा रही थी तो उन्होंने वो चुपचाप सड़क बनाई तो हमने तो पता ही नहीं था कि यार ये इलाका हमारा है हमने तो अपने झंडे गाड़े नहीं बॉर्डर पर हम तो नॉन लैंड के मूवमेंट पर विश्व की जो मंच है उस पर अपनी नॉन अलाइनमेंट कर रहे थे चीन अपने झंडे गाड़ रहा था बॉर्डर पर तो हमें पता ही नहीं था कि बॉर्डर पर हमारा ये कार्रवाई हो गई है उन्नीस सौ अट्ठावन में जब वो सड़क बन गई तो तब हम जागे कह रहे यार जो सड़क बन गई हमारे टेरिटरी के अंदर या। तो फिर हमने बोला कि ये सड़क तो हमारे अंदर बनी है तो हमारी उस टाइम जो है बॉर्डर का प्रॉब्लम शुरू हुआ या। अभी चीन जो था वो या एक बहुत मिलिट्री ताकत थी देखो 1950 उस पर भी मैंने किताब लिखी है कोरिया की लड़ाई पर अच्छा हाँ तो मैं क्योंकि को को कोरिया में मैं डिफेंस अटैची था तो मैंने 1950 की जो कोरिया की लड़ाई है उस पर किताब लिखी उस टाइम जो है चीन की फौज ने सीधी अमेरिका फौज से टक्कर ली एक साल अपनी, अपनी रेवोल्यूशन के बाद और अमेरिका का नाक दम कर दिया उनके मकासे, मकासे थे उन्होंने पीछे उसको धकेल के थर्टी एट पैरल पर लिया तो यानी कि अभी मौजी तुम तो एक माना हुआ लीडर था या मिलिट्री लीडर था और तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनको इतना ज्यादा नहीं था इसका डिफेंस का आइडिया तो उन्होंने देखा या कि ये मौका है अभी ये हमारे से इलाका मांग रहे हैं तो क्यों ना हम इस इलाके को जीत ले तो वो अंदर आ गए तो उन्होंने पूरा जो पर कब्जा कर लिया और जो इलाका जहां से रोड बनी थी वो रोड पकड़ ली उन्होंने तो हम हार गए में क्योंकि हमारी तो तैयारी नहीं थी साहब हम तो ये कहते हैं ना कॉटन के कमीजों में जाके लड़ रहे थे उधर कोई तैयारी नहीं थी बुरी तरह हारे और तो यह था कि इसलिए जब आपने भी प्रश्न पूछा है कि चीन में हमारा क्या मुद्दा है मुद्दा यह है कि चीन ताकत में विश्वास करता है और ताकत से हमारा इलाका जीता है और चीन समझता है कि हम उसके मुकाबले में हमारी ताकत उससे कम है तो उसका एक वर्ड है चीन की भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार वो हर एक देश को मूल्यांकन करते हैं कि इसका कॉम्प्रीस नेशनल पार्क है इस टाइम अमेरिका नंबर नंबर है है नेशनल में चीन टू है। हमारा रैंक जो है आठवा दसवें से करीब आता है तो यानी कि चीन की ये मंशा है उनकी ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप बातचीत से कोई मुद्दा नहीं समझा सकते तो आप ताकत का इस्तेमाल करें उन्होंने ताकत इस्तेमाल जो उन्नीस के बाद उन्होंने दस बार ताकत इस्तेमाल की है कोरिया में इस्तेमाल की है रशिया के विरुद्ध इस्तेमाल की है वियतनाम में उन्होंने हमला किया है साउथ चाइना सी में उन्होंने पूरा किया है की लड़ाई हमारे ऊपर आ गए हैं तो उन्होंने आठ दस बार जो है ताकत का इस्तेमाल किया है और करते रहेंगे इसलिए उनकी अभी जो पूरी स्ट्रेटजी है उन्होंने बहुत ही एक अपनी फौज को आधुनिक फौज बनाया है उनका बहुत बजट जो है तकरीबन इस टाइम दो 50 बिलियन डॉलर बजट है और वो शी बैंक जोन के प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है ये नहीं कि वो सैल्यूट लेते हैं थियानम स्क्वायर में नहीं वो कमांडर चीफ हैं तो इसलिए चीन ये सोचता है कि किसी न किसी तरह वो अपनी ताकत से भारत पर कब्जा कर सकते हैं या जो इलाके हैं विवादित इलाके है उस पर कब्जा कर सकता है और मैंने बताया कि मैं वहां बिटलन कमांडर रहूं अभी उसने यही चाल चली है धीरे 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 वो उसकी फिलोसफी है ग्रे जोन वॉरफेयर या। यानी कि आप गोलियों के जरिए नहीं धीरे धीरे आप इलाके को पकड़ते जाओ निगलते जाओ लेकिन द्विवेदी साहब जो बॉर्डर एरिया है वो न तो कोई बहुत फर्टाइल है और न कोई बहुत अच्छी तरह से कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर किया जा सकता है इसलिए इस दृष्टि से तो है नहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हो सकता है लेकिन कोई इसके पीछे कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है क्या यस यही तो हमारी अज्ञानता है साहब वो इलाका जो है दो हिस्से है जहाँ हमारा विवाद है एक अक्षय चिन्ह का हिस्सा है और एक जो है तिब्बत के साथ पूरा अक्षय चिन्ह जो है के साथ लगता है और पूरा जो मैकमोह लाइन है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम ये सारे जो है ये तिब्बत के साथ लगते हैं तिब्बत की बहुत अहमियत है साहब तिब्बत दुनिया का वाटर टैंक है जितने भी बड़े बड़े दरिया है आप ब्रह्मपुत्र ले लो आप गंगे गेंजे ले लो आप मिकॉन्ग ले लो इंडस ले लो ये सारे तिब्बत से निकलते हैं तिब्बत में एक लाख स्क्वायर किलोमीटर के ग्लेशियर है वहां जो अगली लड़ाइया होंगी पानी पर होंगी अभी भी आप देखो जो है दिल्ली में गुड़गांव में पानी पर बहुत किल्लत होती है हमारे कई प्रदेशों में पानी पर किल्लत है तो सबसे पहले तिब्बत में पानी का रिजर्व रहा है दुनिया का दूसरा में रेयर अर्थ मटेरियल बहुत है तिब्बत में वो जो जो बहुत जो जितने भी रेयर अर्थ मेटीरियल हैं वो तिब्बत में भरमार है या। और तीसरा जो है तिब्बत की अहमियत इसलिए है क्योंकि तिब्बत उसकी बॉर्डर स्टेट है या। और चीन को पता है कि आग, आग अभी पंद्रह बीस साल के बाद उसको दो ही देश टक्कर दे सकते हैं एक अमेरिका और एक भारत है और उनकी ये एक स्ट्रेटेजी है कि जो भी एडवर्सरी है दुश्मन देश है उन पर दबा के रखा जाए अगर उनका पर अच्छा कंट्रोल है तो पहले तो पानी कंट्रोल कर सकते हैं अभी उन्होंने पांच डैम बनाए ब्रह्मपुत्र पर मैंने इसकी बहुत स्टडी की है और दो आर्टिकल लिखे हैं। हम नहीं अभी जागरूक हुए उतने के देखो ये जब डैम बन जाएंगे क्योंकि चाइना में एक प्रॉब्लम है साउथ चाइना जो है सदर्न चाइना उसमें पानी की कोई कमी नहीं है सब है नॉर्थ चाइना जो है वहाँ पानी की बहुत कमी है तो उनकी कोशिश है कि किसी तरह साउथ चाइना से नॉर्थ चाइना को पानी ले जाए वो पानी टिब्बे से जाएगा अगर वो डाइवर्जन करते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र पर हमारी 60 परसेंट पॉपुलेशन है और मैंने डिविजन वही कमांड की है उस एरिया में तो अगर वो पानी का बहाव कम हो जाता है तो हमारी जो पूरी इकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी पूरी ब्रह्मपुत्र वैली पर असर पड़ेगा और ये जो अगला प्रॉब्लम है ये ब्रह्मपुत्र के पानी के ऊपर होना है साहब सो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इस इलाके की अहमियत नहीं है इस इलाके की बहुत अहमियत है क्योंकि टिबेट जो है वो चाय के लिए बहुत ही जरूरी है दूसरा अक्सर चेन वो सड़क है अभी वो दूसरी सड़क बना रहे हैं अगर वो देखो वहाँ खुलन पहाड़ी है वहां पर बॉर्डर होना चाहिए था अभी बॉर्डर जो है वो काफी अंदर है तो उसके साथ क्या है कि दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ yeah. अभी मैं सियाचिन में विटालियन कमांडर था वो हम पाकिस्तान के विरुद्ध हैं वहां से जो डीबीओ का इलाका है जहां अभी चाइनीज घुसे हुए फ्लैटो yeah. में उसके साथ कनेक्शन हो जाता है hmm. अगर वो यहां से थोड़ा दबाव डालेंगे सियाचिन से दबाव डालेंगे दोनों दो 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 फौजें मिल सकती है yeah. और इस टाइम चाइना के लिए जो पाकिस्तान कश्मीर है उसकी बहुत अहमियत है क्योंकि उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो बेल्ट रोड है वो काशगढ़ से शुरू होता है गवाडा तक जाता है दूसरा जो पानी सप्लस है पीओके में अभी उन्होंने ए, 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 एक डैम बनाया उधर बादशाह डैम बनाया है वो उन्होंने तक आठ बिलियन नौ बिलियन डॉलर लगाए हैं तो वहां भी पानी सप्लस है और ये चाइना जो है जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो अभी बाल को शिफ्ट कर रहा है चाहे अफ्रीका पर है या पाकिस्तान में है बी आर ए में बहुत सी आएगी वो अपनी हाईटेक इंडस्ट्री पर जोर दे रहा है लो एंड इंडस्ट्री पर अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जो अभी वर्कशॉप ऑफ दी वर्ल्ड बना था या यू नो हब ऑफ वर्ल्ड बना था अभी दो सौ पच्चीस से शी जिनपिंग की स्ट्रेटेजी है कि जैसे जापान अमेरिका वो हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मैन्युफैक्चर करेगा वो लो एंड टेक्नोलॉजी लो एंड टेक्नोलॉजी बाहर भेज रहा है वो और साथ ही साथ वो वहाँ बाहर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं जैसे अमेरिका ने सारी फैक्ट्रियाँ चाइना में लगाई तो अभी सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग रही हैं तो पूरी चाइना की इकोनॉमी में एक बदलाव आ रहा है अरे द्वित साहब हम क्या कहीं कमज़ोर हो गए या हमने बहुत ध्यान नहीं दिया कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चीन को सड़क बनाने दिया और ये सब सड़क सड़, सड़, सड़क बन गई अब हम हमारे लिए तो पहले तो पाकिस्तान से लड़ना था अब चाइना से और लड़िए तो हम तो इसमें हम हम बहुत तो कमजोर हो गए मैं इसको अभी देखो हिस्ट्री में आप जब हिस्ट्री देखते हैं तो ये नहीं कि आप मीन मेक करते हैं पर आप हिस्ट्री से लेसन लेते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्रिटिसाइज करो पर आप उससे लेसन लीजिए वो पॉजिटिव बात होती है कि मैं खुद भी हिस्ट्री में बहुत मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री ने हमें तीन चार बातें सिखाई हैं जो भारत को सीखनी चाहिए सबसे पहले आपका एक कोई लक्ष्य होना चाहिए आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो नेशनल डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये नहीं कि इस पार्टी ये सोचती ये पार्टी ये सोचती नहीं, वो एक देश की एक डायरेक्शन होनी चाहिए अगर वो देश की डायरेक्शन आती है तो फिर सारी पार्टियों के एक कॉमन एजेंडा बन जाता है तो सबसे पहले हमने बाउंड्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया दूसरा है हमारा मेन तो जो ऑपोजिशन है एडवासी चाइना था हम पाकिस्तान की तरफ ही चलते रहे हमारा जो चाइना ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया कहता कि अपने से लेके उन्होंने पाकिस्तान पर हमारा डिस्ट्रैक्शन कर दी तो हम उधर को चलते रहे और तीसरा जो अपने डिफेंस के ऊपर है डिफेंस के ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए था देखो शांति होती है जब आपका ताकत होती है तब आपके साथ शांति होती है कमजोरों से के साथ शांति नहीं होती है यही आप अभी आप यूक्रेन की बात करें तो हम उस पर बता देंगे कि अगर शांति बनानी है तो आपको ताकतवर होना पड़ेगा और चीन की ये एक फिलोसफी है कि सिर्फ वो ताकतवरों से बात करता है कमजोरों को वो रगड़ देता है ये। ये। तो ये है कि चीन हमें समझता कि हम उसके मुकाबले में नहीं है जिस दिन हम चीन के मुकाबले में आ गए आप देखोगे चीन बिल्कुल हमारे से शांति की बात करेगा चीन का साथ का जो संघर्ष है क्या एक तरफ चीन के प्रोडक्ट्स भारत में भरे पड़े और दूसरी तरफ वो कन्फ्लिक्ट पैदा किए हुए इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है क्या कि वो चाहता है कि नहीं आप हमारे उपभोक्ता बने रहिए अगर आप उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको टेंशन करेंगे करें। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया इसी <laughs> पर मैंने अभी आर्टिकल भी लिखा है देखो चाइना की ये पॉलिसी है कि देखो ये जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है वो कहते हैं आप इसको पीछे छोड़ दो अगली पीढ़ी इसको हल कर लेगी अभी आप ज्यादा बात वो करते हैं ट्रेड पर और बाकी मुद्दों पर स्पेशली ट्रेड पर अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है देखो जो चीन की जो ट्रेड है वो पांच ट्रिलियन डॉलर है ठीक है और भारत के साथ जो उसकी ट्रेड चाहे हमारा ये तनाव बना हुआ है पर पिछले साल 2021 में हमारी ट्रेड सबसे ज्यादा हुई है एक बिलियन डॉलर और हमारा एडवांस पेमेंट यानी कि चीन के फेवर में है बासठ बिलियन डॉलर चीन के फेवर में है या। यानी कि बासठ बिलियन डॉलर का उनको फायदा होता है हमारे साथ निर्यात करने में तो चाहे अगर आप देखें पांच मिलियन डॉलर की हमारी जो वन ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर है यह yeah. अगर आप उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें yeah. जो कि तकरीबन पांच सौ बिलियन डॉलर है उसमें हमारा योगदान दस परसेंट है uh, uh, mm. आप समझे ना yeah. ये आंकड़ों की बात होती है yeah. uh, mm. कि चाहे उसकी जो ओवरऑल ट्रेड में हमारा तीन परसेंट शेयर है mm. पर बैलेंस ऑफ फेवर में हमारा शेयर टेन परसेंट है और हमारी बड़ी मार्केट्स हैं उनको पता है चीन को कि ये मार्केट्स हैं और उनको बहुत फायदा होता है तो इसलिए वो कोशिश उनकी ये है कि ये बॉर्डर का प्रॉब्लम आप पीछे रखो और ट्रेड और इनकी बातें करो और अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग ही आए थे वो भी यही बात कर रहे हैं तो हमारे अभी अभी हमारे देश ने कड़ा स्टैंड लिया मुझे बड़ी खुशी है और डॉक्टर अपने जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि देखो जब तक बॉर्डर में तनाव नहीं आएगा तो हमारी रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकती है या, या। उन्होंने बोला किया अच्छा था उन्होंने बोला कि इट या। कि इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल यानी अगर आप बॉर्डर पर तनाव रखते हैं तो हमारी रिलेशन जो है नॉर्मल नहीं, नहीं हो सकती है ये हमारा स्टांस होना चाहिए हमारा जो स्टांस है चीन की तरफ जो है एक कड़ा स्टांस होना चाहिए के देखो ये ताकत नहीं चलेगी ये सीना जोरी नहीं चलेगी और दूसरा जो अभी आपने पहले सवाल उठाया था कि चीन क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? जब तक भारत चीन के मुकाबले में खड़ा नहीं होगा कुछ तो हम अद, अपने अंदर से करना है देखो हमारी इकोनमी अच्छी होनी है ट्रिलियन डॉलर कहाँ साढ़े पंद्रह ट्रिलियन डॉलर है वो तो वो कहते हैं कि अरे आप पहले कुछ तो अपने आप में करो अपने बात करने के लिए तो पहले इकॉनॉमी ठीक करनी है अपना डिफेंस मजबूत करना है साथ ही साथ ये जो देश हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका हो गया जापान हो गया यू नो ऑस्ट्रेलिया कोरिया इनके साथ हमें रिश्ते और भी मजबूत करने हैं अभी ये, ये, ये अभी अब बात कर रहे थे कि हमारी बड़ी चैलेंज है कि हमें पता नहीं लग रहा कि हम रूस के साथ खड़े हुए या अमेरिका के साथ खड़े हुए yeah. तो देखो जब आप दोनों तरफ अपनी टांगे रखते हैं तो आप किसी तरफ भी मजबूत नहीं होते हैं नहीं। अभी अमेरिका को है कि भी देखो आप रशिया के साथ खड़े हैं तो हमें किसी न किसी तरह से ये समझाना होगा कि देखो इस समय और ये मैंने आर्टिकल लिखा है पिछले हफ्ते पिछले महीने ये इंडिया टुडे के लिए लिखा था कि हमारी क्या मजबूरियां है रशिया के साथ हमारा अभी भी 50 परसेंट जो हथियार हैं वो रशिया से आ रहे हैं उनके स्पेयर पार्ट आ रहे हैं उनकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी जब आप डिपेंडेंट होते हैं तो आपकी ऑप्शन कम हो जाती हैं चलिए अब एक दूसरी दिशा में हम चलते हैं और वो है जो यूक्रेन वॉर है देखिए बड़ी बड़ी विचित्र बात है यूक्रेन वॉर में नाटो ने काफी अपनी तटस्थता दिखाई जितना इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्टेड था उतना इन्वॉल्वमेंट ना अमेरिका ने किया ना नाटो ने किया और यूक्रेन इसमें उलझ के रह गया और हमने भी अपनी तरह की एक तटस्थता दिखाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते रहे लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में हम भी नहीं रहे और हम हम ये ऐसी सिचुएशन में रशिया की तरफ साथ होते हुए नजर आ रहे हैं ये तटस्थता वाली कोई नई तरह की विदेश नीतियां इस दुनिया में तैयार हो रही है क्या कोई नया स्वार्थवाद तैयार हो रहा है क्या देखो पहले तो परिभाषा जो है ना तटस्थता की वो भी बदल गई है हाँ। वो वो नहीं रही है कि भी आप आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं आप अपने इंटरेस्ट के साथ चलते हैं अभी अमेरिका देखो वो कहते हैं हम चैंपियन है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लोकतंत्र के उनकी सभी जो मिडल ईस्ट में है जितने किंग शेख्स हैं किंग किंगडम्स हैं उनके साथ जाते हैं वो वो yeah. तो कहा जात कहा उनकी ये नीति है कि हम लोकतंत्र लोक में विश्वास करते हैं yeah. उनके चीन के साथ इतने बड़े अच्छे देशते हैं सबसे ज्यादा ट्रेड वो चीन के साथ करते हैं yeah. तो चीन में तो अथॉरिटी सिस्टम है yeah. तो ये सब जो है दिखावा है साहब सब, yeah. सब सबसे पहले आपका अपना हित आता है यूक्रेन से पहले हमें अपना सोचना है फिर यूक्रेन के बारे में सोचेंगे अभी यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है नेटो में जो है उनका आर्टिकल फाइव है वो कहता है कि अगर नेटो का कोई भी देश किस उस पर आक्रमण होता है तो पूरे नेटो देश जो है उसकी मदद करेंगे उसके उनकी एक संधि है यूक्रेन उसमें नहीं है तो इसलिए यूक्रेन और, और, 600 साल तक यूक्रेन तो रशिया का हिस्सा भी रहा है अभी और जब रशिया टूटा है तो चौदह इसके देश टुकड़े हो गए उनमें से नौ दस जो है वो नेटो में शामिल हो गए अभी रशिया को ये डर था कि अगर यूक्रेन भी शामिल हो गया तो बिल्कुल नेटो तो उनके बॉर्डर पर आ गया जैसे तिब्बत गया तो चीन बॉर्डर पर आ गया हाँ तो उनका बॉर्डर पर तो बॉर्डर पर आ गया तो मतलब डायरेक्ट थ्रेट है तो रशिया की एक प्रॉब्लम रही है चाहे वो पीटर द ग्रेट था या कैथरीन द ग्रेट थी या बाद में स्टेलिन थे उनकी कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है जैसे हवा हमया का बॉर्डर आ जाता है yeah. तो एक लाइन बन, जा, बन जाती जाग्राफिक लाइन बन जाती है उनकी कोई जोग्राफिक लाइन नहीं है कोई माउंटेन रेंज नहीं है कोई ऐसा रिवर नहीं है yeah. कि जिससे उनका बॉर्डर डिफाइन हो yeah. तो वो सदा ही कोशिश करते थे विस्तारवाद yeah. कि जितना हम आगे जले उतनी हमें डेप्थ मिल जाएगी yeah. तो यूक्रेन जो है एक बहुत ही पिकुलर सिचुएशन में फंस गया कि भाई अगर ये यूक्रेन नेटवर्क साथ चले जाएंगे तो ये जो हालात बने हैं वो बन ही गए तो मुझे लगता है कि यूक्रेन को थोड़ी सी अपनी जो कूटनीति के साथ काम करना चाहिए था अभी भी वो कह रहे हैं कि देखो हम नेटो में नहीं ज्वाइन करेंगे पहले से आश्वासन दे देते पुतिन को देखो हम निधन नहीं जाएंगे या। तो ये शायद युद्ध इसका बच सकता था दूसरा है कि अभी नेटो का तीन मुद्दे थे युद्ध के मैं रोज डिस्कस करता हूँ ये टीवी पर हम आते हैं कि पहला था उनको अपने सिक्योरिटी के हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है सिक्योर होना चाहिए तो अगर न्यूट्रल यूक्रेन है तो सिक्योरिटी मिल जाती है दूसरा दो जैसे उनके विवादित इलाके हैं डॉनबास और लोहांस्क ये रशियन डोमिनेटेड 80 परसेंट पॉपुलेशन रशिया की है रशिया का बहुत प्रभाव है तो वो चाहते हैं कि ये दो जो देश हैं ऑटोनमस बन जाएं या रशिया के हिस्से बन जाए या ऑटोनमस बन जाए और वहाँ ये मिलिटेंसी चल रही है जैसे उगवा मिलिटेंसी चल रही है तो रशिया चाहता है कि ये दो हैं ये तोड़ के इनको ट्स बना दिया जाए ताकि उनको बफर मिल जाएगा वो दूसरी इनकी और तीसरा वो डीमिलिटराइज करना चाहते थे यूक्रेन वो तो, एक, एक तो हल हो गया अभी यहाँ तो अभी भी लड़ाई चल रही है और डोनेस के एरिया में या लोहास में अभी भी लड़ाई चल रही है वो तो अभी भी नहीं उनका कब्जा हो पाया है तो आ, और नीचे जो ब्लैक सी है ब्लैक सी में रशिया का ब्लैक सी फ्लीट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे उनको आगे मैरिट्रेन में जगह मिलती है तो उन्होंने वहाँ पोर्ट्स ब्लॉक किए हैं तो ताकि यूक्रेन जो है इस पूरी लैंड ब्लॉक हो जाए उनके पोर्ट्स बंद हो जाए तो वहाँ भी मुद्दे चल रहे हैं तो पॉइंट यह है कि अगर आपकी संधि नहीं है या अब मान लो हम क्वाड में हैं क्वाड डिफेंस का नई अलायंस नहीं है तो अगर हम पर कोई मतलब ऐसी संकट आता तो हमारे कोई भी देश नहीं आएगा हमारे साथ क्योंकि हमारा कोई संधि नहीं है वो तो कहते हैं भाई क्वाड है ये ज़्यादा ट्रेड रिलेशन पर है या, या यू नो कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाती है उसके ऊपर है पर इसमें डिफेंस की बात ही नहीं है तो अगर हम सोचेंगे या कल अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है तो क्वाड के देश हमारी मदद करेंगे तो हमारी तो बेवकूफी होगी yeah. क्योंकि हमारा कोई अलायंस नहीं है yeah. तो इसलिए यूक्रेन को पता होना चाहिए था कि देखो डेटो देश हमारी मदद नहीं करेंगे फौजी तौर पर क्योंकि हमारी उनके साथ ट्रीटी नहीं है आ, आप तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं ये जो आ, एटम बम को दिखा करके पुतिन ने और सारे नाटो को दिखाया कि देखो ये एटम बम देख लो और दिखा करके क्या इससे सचमुच नाटो डर गए क्या देखो ये सफल हो गया पुतिन का ये ये स्ट्रेटेजी देखो जो एटम बॉम्ब तो जापान पर दो बार इस्तेमाल हुआ था उसके बाद पूरी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ 45 के बाद या और जो अटोमिक हथियार होते हैं ये होते हैं कमजोर देश के लिए कि जब बड़ी ताकत में हमला करती है तो उसके बाद एक ही डिफेंस होता है अटोमिक हथियार तो अटोमिक हथियार का जो सिलसिला होता है वो कमज़ोर देश करता है जैसे पाकिस्तान के पास अटोमिक हथियार है वो देखता है कि भी भारत की ताकत ज़्यादा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारा जो अटोमिक हथियार है वो पॉसिबली रशिया चाइना के अगेंस्ट है क्योंकि चाइना का ताकतवर देश है तो पहले तो हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि रशिया क्यों धमकी दे रहा है की क्योंकि वो तो यूक्रेन के अंदर गुस्सा हुआ है यूक्रेन को लाले पड़े हैं कि वो कि दुनिया के नक्शे पर रहेगा नहीं रहेगा तो ये धमकी बार बार दे रहा था कि अगर नेटो इसमें आ जाते हैं तो तब वो इसको इस्तेमाल कर सकता है पर वो ज्यादा तौर पर ये एक है एक एक धमकाने की बात होती है क्योंकि वो जो हथियार भी यूज करना था वो दो तरह के हथियार होते हैं एक स्ट्रेटजिक वेपन होते हैं जैसे कि बहुत बड़ा नुकसान करते हैं बड़े बड़े शहरों पर डाले जाते हैं एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं जैसे वन किलो टन ये जैसे एक बॉम्ब की तरह होते हैं आप तोप खाने से भी फायर कर सकते हैं उनका जो असर होता है बहुत कम होता है तो वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात ज़्यादा कर रहे थे कि भाई अगर वो नेटो के देश आ जाएंगे तो फिर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पर वो एक धमकाने धं, वाली बात थी पर हाँ केमिकल इस्तेमाल हो सकते हैं बायोलॉजिकल जो जैविक हथियार हैं उनका डर है इस्तेमाल कर क्योंकि लेबोरेटरीज भी हैं उस पर काफ़ी रिसर्च भी हो रही है और वो इतने यदी के जैसे न्यूक्लियर हैं बहुत घातक होते हैं इनका अलग तरह का असर होता है केमिकल हथियारों का तो वो कुछ हद हाँ तक इस्तेमाल हो सकते थे पर जो जिस मुकाम पर अभी युद्ध है एक किस्म का स्टेलमेट हो गया है, क्योंकि रशिया जो जो चाहता था कीव को पकड़ना या बड़े बड़े शहरों को मैरिया पोल को पकड़ना वो नहीं पकड़ पाए उसमें दो कमजोरियां रह गई है या। सबसे पहले कमजोरी थी कि उन्होंने बहुत किया यूक्रेन को या। और यूक्रेन के लोग जो है वो काफी उन्होंने बहुत प्रतिरोध किया है और दूसरा था कि देखो जब आप बड़े शहर को पकड़ना है तो आप सिर्फ तोपों के साथ या हवाई जहाज करने पकड़ आपको ग्राउंड में ट्रूथ चाहिए अगर आपको मान लो हाइपोथेटिकली कीव पकड़ना पकड़ने तो आपको चालीस पचास हजार ट्रुप चाहिए अंदर जाने अंदर जाने के, जाने के लिए। वो नहीं है इनके पास उनके ऊपर टैक्स हैं है, और जो मैं इन्फेंट्री वाला हूँ मैं तो इन्फेंट्री में रहा हूँ पैरा ट्रुप हूँ तो वो इनके पास ताकत नहीं है तो इसलिए अभी रशिया का जो स्टेलमेट हो गया अभी आप देखेंगे कोई ना कोई इनका कोई निकल आएगा जरिया कि जो अल्टीमेटली जो मैं सोचता हूँ तीन बातें हो जाएंगी यूक्रेन में एक तो वो नेटो में नहीं जाएंगे या दूसरा ये डॉनबास और ये लोहांस एरिया शायद इसको ऑटोन बना दिया जाए क्राइम क्राइमिया को वो मान लेंगे कि चलो यार रशिया ने ले लिया दो हजार चौदह में तो दे देंगे या। और कुछ ना कुछ सुलह हो जाएगी इनकी पर जो असली बात हुई है कि अगर यूक्रेन ये इस तरह नहीं लड़ता तो हार जाता तो फिर जब आप मेज पर आते हैं साहब तो मेज पर तो बात होती है आपकी ग्राउंड पोजीशन पर अगर आप ग्राउंड पर ही कमजोर है तो मेज पर आप क्या करेंगे या, या। फिर तो आप जो ताकतवर है उसी के मुताबिक आप आगे एग्रीमेंट <laughs> करेंगे चलिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत एक्सपर्ट हैं देखिए एक तरफ डेमोक्रेसीज ये जो विचारधाराओं की बात है एक एक तरफ डेमोक्रेसीज हैं और दूसरी तरफ अब कम्युनिस्ट तो रहा ही नहीं कम्युनिस्ट वाले तो ऑटोक्रेटिक क्रे, कंट्रीज हो गए और कम्युनिज्म तो कम है और वहां चाइना में भी कैपिटलिज्म आ गया सोवियत रूस में भी आप उसको कैसे कम्युनिस्ट कहेंगे इसलिए सवाल वहां भी ए, कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उधर नहीं रही इधर ये डेमोक्रेसीज हैं ये अपने आप को कोई एग्जर्ट नहीं कर रही हैं कि हम हम हमें डेमोक्रेसी के लिए लड़ना चाहिए दुनिया में इसका मतलब है कि जो पहले एक विचारधाराओं की लड़ाई हुआ करती थी और जिसके लिए एक शीत युद्ध भी चला उसी विचारधारा के लिए अब आपको ऐसा लगता है कि ये विचारधाराएं सब धूमिल हो चुकी हैं नए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीज रही नहीं और डेमोक्रेसीज में जो लिबरल डेमोक्रेसीज होना चाहिए था वहाँ भी ऑटोक्रेसी आ गई और जहाँ कम्युनिज्म था वहाँ कम्युनिज्म भी कम्युनिज्म नहीं रहा और वहाँ अपनी तरह से ऑटोक्रेसी आ गई आपको लग रहा नहीं कि एक दुनिया एक नई दुनिया एक बदलती जा रही है अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं देखो दुनिया तो बदलेगी और ये तो एक आ, कहते हैं प्रथा है कि बदलाव तो होता ही रहता है yeah. पहले आइडियोलॉजी की बात ज़्यादा थी hmm. अभी आइडियोलॉजी की बात ज्यादा नहीं है अभी अपने हितों की बात है yeah. और अभी जो पहले कहते हैं जियो पोलिटिकल जो है वो पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है यानी yeah. कि वो आगे उसके पीछे सब कुछ होता है अभी सारा प्रोसेस जियो इकोनॉमिक्स पर है इकोनॉमिक्स yeah. yeah. जो है वो सारी चीजों को ड्राइव करती है yeah. उसके पीछे जियो पॉलिटिक्स चलते हैं अभी देखो आपको फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आते हैं हथियार बेचने के लिए अमेरिका के भी लीडर्स है के भी आप हथियार खरीदो क्यों उनकी इकॉनमी उस पर डिपेंडेंट है तो आजकल जो सारी चीज है वो ज्यादा इकॉनमी पर है और जो जो चाइना का कम्युनिज्म है वो बोलते हैं कम्युनिज्म विद चाइनीज कैरेक्ट्रिस्टिक्स यानी कि अथॉरिटेरियन रिजीम है स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है yeah. यानी कि पूरा जो उनकी जो जिनकी जो भी उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो स्टेट रन है yeah. आगे उनको चाहे प्राइवेटली बताया जाए पर उसका स्टेट का बहुत रोल है yeah. तो स्टेट रन कैपिटलिज्म है hmm. वो उनका मॉडल है hmm. अमेरिका का मॉडल जो है वो प्योरली कैपिटलिस्ट मॉडल है रशिया भी कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया है पर उनके ऑलीगार्क है यानी कि बीस बाईस लोग हैं जो रशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं उनको ऑलीगार्क बोलते हैं सो so, अभी जो दुनिया में आप जो देख रहे हैं एक तरह का एक अगर आप खिचड़ी भी कह सकते हैं एक गोल मेल बन गया है yeah. जिसमें सबसे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं yeah. देश का हित आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं करता है yeah. आपका इंटरेस्ट कहां पर है yeah. दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है yeah. और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी मिलिट्री पावर कितनी है अभी जापान जो है उसकी फाइव बिलियन डॉलर फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है पर उसकी फोर्सेस नहीं है अभी उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनमेंट की है और उनकी डिफेंस फोर्सेस से वो और भी ताकतवर होके आएंगे मॉडर्नाइजेशन करेंगे क्योंकि उनको डर है कि भी जिस तरह चीन जो है अगर ये ड्रैगन थोड़ी और इधर को आ गई और अमेरिका तो ने मदद नहीं की नहीं की तो जो ये जो यूक्रेन में जो हुआ है और जब मदद की थोड़ी बहुत की खुल के नहीं की तो अभी जो है आप देखेंगे यूक्रेन के बाद बहुत से देश जो है वो अपनी फौजी ताकत पर बहुत ही उस पर एक जोर डालेंगे उस पर उनका केंद्रित करेंगे कि के हम सेल्फ डिपेंडेंट पहली बात दूसरी बात है कि पूरी सप्लाई लाइन बदल नहीं है देखो रशिया का जो रशिया जैसे मैंने बताया था कि तिब्बत जो है दुनिया का वाटर टैंक है रशिया जो है दुनिया का गैस स्टेशन और इसको ऑयल स्टेशन बोल तो अभी जैसे उन पर सेंशन लगेंगे तो ऑयल लाइन दोबारा रूट हो जाएगी जाएंगी yeah. से ऑयल आएगा से आएगा अमेरिका के पास ऑयल है yeah. तो पूरी सप्लाई लाइन चेंज हो जाएगी yeah. तो ये एक चैलेंज है ये हर एक देश के लिए होगा कि बहुत उथल पुथल चलती रहेगी yeah. पर ये चलनी है तकरीबन और पन्द्रह बीस साल उसके बाद एक नया आकार आएगा उस आकार में अमेरिका का जो मुकाबला सीधा होगा चीन के साथ yeah. उसके बाद बाकी देश जो है कोई ना कोई साइड लेंगे हम इस टाइम चीन के साथ तो नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हमारे चीन का बहुत बड़ा विवाद है चीन के साथ रशिया खड़ा है यूरोपियन देश जो है वो अमेरिका साथ हैं मिडल ईस्ट देश बटे हुए हैं तो भारत को अपना ही एक अलग एक प्रतिभा या आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि इस इलाके में इंडिया, इंडो पैसिफिक में हम अपने आप एक ताकत के तरह उभर के आए यानी थर्ड पोल बोलते हैं चाइना अमेरिका इंडिया एक पोल की तरह है क्या तो हमारे इर्द गिर्द भी कुछ देश होंगे तो ये थोड़ा सा आकाश जो है ये अगले बीस तीस साल में होगा पर इस पर दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है yeah. किस प्रकार भारत तरक्की करता है yeah. अगर हम अगले पंद्रह बीस साल में हमारी भी इकोनॉमी तीस पैंतीस ट्रिलियन डॉलर हो जाती है yeah. हमारी फोर्सेस ठीक से अच्छी स्ट्रांग हो जाती है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा साउंड हो जाता है yeah. हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है yeah. तो तब भारत भी एक थर्ड पोल की तरह hmm. उभर के आ सकता है चलिए मित्रों यहाँ पर हम लोग बहुत विराम देते हैं यहाँ समापन करते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट में प्रोफेसर द्विवेदी जी ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारी इकोनॉमी हमारी क्या होती है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है हमारी आर्मी की स्ट्रेटेजी कैसी होती है और अगर इन चीज़ों में हम मजबूत बनते हैं हमारी अपनी मजबूती है तो फिर हमारी विदेश नीति का अपनी दिशा होगी और अपना उसका अपना ही उसका जज्बा होगा तो हम सोचते हैं कि हमारा हमारे देश की विदेश नीति को मजबूत बना लेके हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाएं और हमारे दूसरे देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखें आप आज पधारे परिष्कार वर्ड के इस कार्यक्रम में मैं, फिर आगे भी भविष्य में भी हमारे बच्चों के लिए मैं आपसे जुड़ा रहूंगा आप हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं दिल्ली रहते हैं पंजाब में भी रहते हैं देखो है इस द, इस जिंदगी में दो ही लक्ष्य थे सबसे पहले लक्ष्य था कि अपने देश की सेवा करनी yeah. और अभी लक्ष्य है भारतीय अगली पीढ़ी को कैसे मजबूत बनाना बहुत अच्छा। हाउ टू एम्पावर यंग इंडिया ये हमारा अभी मोटो है और इसी के साथ हम काम करते हैं जहाँ भी यंग इंडिया बुलाएगा yeah. हम वहाँ जाएंगे बहुत अच्छा और उनको प्रेरित भी करेंगे उनको एम्पावर yeah. भी करेंगे yeah. सक्षम भी बनाएंगे क्योंकि yeah. भारत का जो भविष्य है वो अगली पीढ़ी पर है जितनी अगली पीढ़ी सक्षम होगी उतना ही भारत मजबूत बनेगा देखो मित्रों यह है प्र, प्रोफेसर द्विवेदी का वास्तविक राष्ट्रवाद यह देशभक्ति और यह है इनके खून में सेना में जो सेवा की है और वो खून से जो विचार उस प्रकार के मजबूत बने देश के हित के लिए मैं आपको इनी, इनी के, के लिए आपका आपका आप, आप बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हिंद जय हिंद थैंक यू